मुरादाबाद महानगर में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर महानगर समाजवादी पार्टी द्वारा 28 मुरादाबाद नगर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत मोहल्ला असालतपुरा में दो कुओं वाली मस्जिद के सामने समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व महानगर उपाध्यक्ष एवं नगर विधानसभा क्षेत्र से टिकट के दावेदार हाजी सरताज आलम अंसारी के कार्यालय पर दो दिवसीय नए वोटर बनाओ कैंप 24 सितंबर को दूसरे दिन भी जारी रहा, जिसमें काफी तादाद में महिलाओं और पुरुषों ने मतदाता सूची में अपना नाम बढ़वाने और वोटर आई कार्ड बनवाने के लिए फॉर्म भरे। ये बात काबिले जिक्र है कि हाजी सरताज आलम अंसारी के कैंप ऑफिस पर गुज़िश्ता कई दिन से आंखों की जांच का फ्री कैंप भी जारी है, जिसमें नजर की जांच मुफ्त की जाती है और नजर का चश्मा बहुत कम पैसों में बनाया जाता है। इस कैंप में रोजाना 100 नेत्र रोगियों की निःशुल्क जांच की जाती है, मगर इसके लिए पहले आओ पहले पाओ के आधार पर रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। रजिस्ट्रेशन का समय सुबह 9:30 बजे से है। रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आधार कार्ड साथ में लाना जरूरी है। इस बारे में जानकारी देते हुए विजन स्प्रिंग फाउंडेशन से आई हुई टीम में शामिल नेत्र परीक्षक करुणा शंकर ने बताया कि हाजी सरताज आलम के कैंप कार्यालय पर यह फ्री जांच कैंप ईपीसीएच एवं विजन स्प्रिंग फाउंडेशन के सौजन्य से गुज़िश्ता लगभग 10 दिन से जारी है और अभी आगे भी जारी रहेगा। विजन स्प्रिंग फाउंडेशन की टीम में टीम इंचार्ज कुलदीप चाहल, काउंसलर चरण मलिक, ऑप्टिमोलॉजिस्ट जयकेश पाल तथा नेत्र परीक्षक करुणा शंकर शामिल है। करुणा शंकर ने बताया, ये सर विजन स्प्रिंग की वजह से हुआ है, विजन स्प्रिंग और ईपीसीएच के थ्रू हो रहा है जी। जो मुरादाबाद में हो रहा है, पूरे मुरादाबाद में ये कैंप चल रहा है। तो क्या फैसिलिटीज है यहाँ पर? यहाँ पे आई टेस्टिंग जो है हमारी फ्री होती है जी, और इसमें जो जिनको चश्मा लगता है जी, उनको 60 रुपए का चश्मा दिया जाता है। ये यहाँ पर हाजी सरताज आलम अंसारी साहब के यहाँ ये कैंप कब से चल रहा है? लगभग 10 दिन हो गया यहाँ पे। अच्छा, अभी 2-4 दिन और यहाँ पे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे लोग आ रहे हैं, उनको प्रॉफिट मिल रहा है, क्योंकि वो कुछ लोग होते हैं जो चश्मा नहीं ले पाते, बाहर से महंगा चश्मा नहीं ले पाते, तो इस एनजीओ के थ्रू से उनको देखने को जो मिल रहा है बहुत अच्छा काम देख रहे हैं, वो चश्मे से देख रहे हैं और अपना काम कर पा रहे हैं। ये जो मतलब कैंप में रजिस्ट्रेशन वगैरह पहले से करवाना पड़ता है, क्या प्रक्रिया है जो लोग इसका लाभ लेना चाहते हैं? जैसे लोग आते हैं तो उनको एक आईडी होना ज़रूरी है, क्योंकि हमें भी ऊपर देना पड़ता है, तो आईडी होती है तो उनका रजिस्ट्रेशन होता है, फिर उसके बाद चेकअप होता है, चेकअप होने के बाद उनको चश्मा मिलता है जी। जिनको चश्मा नहीं लगता है या नॉर्मल होते हैं, और जिनको मोतियाबिंद हो रहा है या कोई और बीमारी हो रही है, उनको हम सीएल गुप्ता हॉस्पिटल के लिए रेफर करते हैं। धन्यवाद।